वेलकम बैक टू माई चैनल मॉमीज प्लैनेटेरिया। मैं पहले भी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक पेरेंट्स ने सवाल किया कि मैम, हम कैल्शियम सैंडोज का टैबलेट बच्चे को 2 साल से दे रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ऐसे में क्या करें। तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हुई। मैंने उनसे पूछा कि कोई डॉक्टर ने रिकमेंड किया था आपने, कैसे ये टैबलेट्स थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऐड देखा था कैल्शियम की सप्लीमेंट है, बच्चों की हड्डियों को मजबूत रखती है। तो मैं बहुत सरप्राइज़ हुई कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या आप पेरेंट्स भी बिना डॉक्टर से पूछे हुए सिर्फ एक ऐड देख के या किसी मेडिसिन वाले ने बोला कि अच्छा चीज़ है आप दे दीजिए, अपने मन से देते हैं। अगर देते हैं तो बिल्कुल बंद करें, ये बिल्कुल ना करें, बिकॉज़ कहीं ना कहीं बच्चे को नुकसान कर रहा है, फ़ायदा कम कर रहा है, नुकसान ज़्यादा कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को नेचुरल वे में क्या चीज़ें खिलाएं जिससे उनके जो कैल्शियम की आपूर्ति है वो पूरी हो जाए और हमारे बच्चों की बढ़ती हुई जो हड्डियाँ हैं वो स्ट्रांग रहें। चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ये समझिए, कैल्शियम जो है वो बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है, लेकिन कोशिश करें कि वो मेडिसिन के फॉर्म में नहीं हो। मेडिसिन फॉर्म में तभी दे जब आपके डॉक्टर सजेस्ट करें, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी नेचुरल फॉर्म में दे, क्योंकि हमारे पास इतनी तरह की खाने पीने की चीज़ें हैं जो बच्चों को पसंद भी है, जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। दूध तो एक आप देते ही हैं जो बिल्कुल सही करते हैं, दूध कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन सिर्फ दूध काफ़ी नहीं है। इसके अलावा क्या दें? इसके अलावा दूध के साथ दही दें, पनीर दें, चीज़ दें, घी दें, ये सारे भी कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं हमारे, वो कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। बच्चों को आप ज़रूर दें किसी ना किसी फॉर्म में। दूसरी चीज़, जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं वो कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स होती हैं। पालक हो गया, मटर हो गया, लौकी हो गया, बहुत तरह की हमारे पास सब्जियाँ हैं। जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो ना, वो सारे कैल्शियम के रिच सोर्स होती हैं। अब आप बोलते हैं कि बच्चे हमारे पालक नहीं खाते तो क्या करें, तो मैं सजेस्ट करूँगी पालक पीस के उसकी कचौड़ी बना के बच्चों को दे दें, उसकी रोटी बना के दे दें। अगर वो भी नहीं खा रहे हैं तो आप दाल में बिल्कुल महीन आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पालक को बॉईल करके उसको नए फॉर्म में बना के दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि हमारे बच्चों की बॉडी में लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल जाए। ये कैल्शियम का रिच सोर्स होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तीसरी चीज़ होता है हमारा ड्राई फ्रूट। जो ड्राई फ्रूट्स हम लेते हैं, जैसे रेजिन्स हो गया, फिग हो गया, आलमंड हो गया, इसके अलावा आपका डेट्स हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। तो ड्राई फ्रूट का सेवन भी 6 मंथ के बाद बच्चों को शुरू कर दें। बहुत छोटे हैं तो पाउडर फॉर्म में दें, अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको तो ऐसे भी आप पानी में भिंगो के रात भर मॉर्निंग में दे सकते हैं। वो भी अगर नहीं खा रहे हैं तो आप उनको दूध में बिल्कुल सब पीस के आप दे सकते हैं, जो उनको एक अच्छा टेस्ट भी देगा। तो डिफरेंट फॉर्म में, लेकिन कोशिश करना है बच्चों की डाइट में ड्राई फ्रूट इंक्लूडेड हो। इसके अलावा एक चीज़ और आप दे सकते हैं, वो इसके अलावा जो हमारे मिलेट्स हैं जिनका आजकल बहुत ज़्यादा ही अवेयरनेस चल रहा है, जैसे हमारा नचनी रागी जिसे मड़ुआ भी बोलते हैं बिहार में, मड़ुआ का आटा, वो बच्चों को ज़रूर दें। अब कैसे देना है, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप बिल्कुल सर्च करें। इसके डोस का लोग डोसा बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, मैंने भी 2-3 वीडियोज़ बनाए हुए जहाँ मैंने इसे हलवा बनाया है, इसकी रोटी बनाते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म में बच्चों को रागी का सेवन ज़रूर कराएं। इसके अलावा जो हमारा रागी होता है उसका सेवन कर सकते हैं। जो सफ़ेद तिल होता है, आपको याद होगा मकर संक्रांति का टाइम आ रहा है तो हमारे यहाँ ये गुड़ वाली जो लड्डू बनती है तिल वाली, वो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये सब क्या है, कैल्शियम के रिच सोर्स है, तो बच्चों को इन सब का भी सेवन ज़रूर कराएं। इसके अलावा जो हमारे साइट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे ऑरेंजेस हो गया, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, इनमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। तो मोटा मोटी कहने का ये सार है कि हमारे आसपास बहुत सारे अच्छे खाने पीने की चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इनका सेवन बढ़ा दें। बहुत ज़रूरी हो डॉक्टर सजेस्ट करे तभी दवा दे बच्चों को, अदरवाइज़ ये जो कैल्शियम रिच सुपर फूड्स हैं इनका सेवन कराएं। आप देखेंगे बच्चों की जो कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। अगर आप नॉनवेज पसंद करते हैं तो बच्चे को अंडा बिल्कुल दें, मीट दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं, इसके अलावा आप फिश दे सकते हैं। इस समय भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो बच्चों की बढ़ती हुई हड्डियों को बहुत ज़्यादा ताकत प्रोवाइड करता है। हमारा हमेशा ये थॉट होता है कि बच्चों को हम बेस्ट से बेस्ट दें, तो बेस्ट में ये सारी चीज़ें दें खाने के लिए जिससे उनकी हड्डियों को ताकत मिले, बच्चे मजबूत बने। इसके अलावा बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर कराएं। अभी क्या है ना कि बच्चे दिन में मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी होती नहीं है। बच्चे जब दौड़ते भागते हैं तो हड्डियाँ मजबूत होती हैं, इसीलिए ध्यान दें बच्चों की एक्टिविटी पर, उन्हें फिज़िकल एक्टिविटी भरपूर कराएँ, डाइट पे ध्यान दें, और आप देखेंगे आपके बच्चों की हड्डियाँ बहुत मजबूत रहेंगी। तो ये मेरा टेक है 5 सुपर फूड्स, कैल्शियम रिच फूड्स क्या हैं, कैसे देना है बच्चों के लिए, क्या फ़ायदे हैं इनके, और
जो मार्केट में इस तरह की दवाएं मिल रही हैं इनसे दूर रहना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉडर्न पेरेंट इंडिया। थैंक यू।